हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे लव टूब चैनल पे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। आप देख सकते हो गुलाब जामुन कितने यमी लग रहे हैं देखने में, रसीले। तो आइए कैसे बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे चीनी ले लिया है, एक कटोरा चीनी ले लिया है। इसके बाद एक कटोरा मैंने यहाँ पर पाउडर दूध लिया है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है और आधा कप दूध ले लिया है। तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन का जो मावा होता है वो तैयार करेंगे। यहाँ पे हम बिना छेने का गुलाब जामुन बनाएंगे, तो ये आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है और यहाँ पे 2 चम्मच जो घी रखा था वो डाल दिया है मैंने। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि घी और दूध अच्छे से मिल जाए। इसके बाद मैं इसमें दूध पाउडर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरा दूध ले लिया है। आप अगर क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हो, ज़्यादा गुलाब जामुन बनाने के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि दूध और यहाँ पे मैंने दूध पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि ये दूध और दूध पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से मिल जाए। तो इसे मैं थोड़ी देर इस तरह से मिला लूँगी। अच्छे से मिलने के बाद हम यहाँ पे गैस ऑन करेंगे और इसी तरह से हल्के हाथों से इसको चलाते चलाते इसको एक अच्छा सा मावा तैयार करेंगे, छेना जैसा। तो इसको मैं इस तरह से चलाते रहूँगी गैस ऑन करके। मीडियम फ्लेम पे आज को इसको पकाना है। तो देखिए मीडियम फ्लेम पे पकाते पकाते ये ऐसे हो गए हैं। इसको और थोड़ा हमें पकाना है ताकि ये अच्छे से एक छेना जैसा बन जाए। तो हमें इसको पहले मावा तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे मावा हमारा बनके तैयार है। मैं इसको निकाल लेती हूँ, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसे चारों तरफ से अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ी देर चला लेती हूँ, हल्का सा नरम लग रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, अगर इस तरह से लड्डू बन जाए या पेड़े जैसे साइज आने लगे तो इसको आप उतार दीजिएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा और नरम है इसलिए और थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो ये हमारा मावा तैयार है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरा यहाँ पे चीनी डाल दिया है और आधा कटोरा मैं पानी ऐड करूँगी। तो जिस कप से आप पानी चीनी ले उसी कटोरा से आप पानी ऐड कर ले। अब इसको हम हल्का सा मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे, चीनी गलने तक चाशनी तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पे चाशनी बहुत ज़्यादा एक तार वाली नहीं चाहिए, बहुत गाढ़ी तार चाशनी नहीं चाहिए, हल्का सा नरम थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए। तो इसे हमें चीनी गलने तक इसी तरह से गैस पे फ्लेम पे रखने दीजिए। तो यहाँ पे चीनी हमारा गल चुका है और इसमें उबाल आने लगे हैं। तो इसमें मैं 1 इलायची तोड़ के डाल देती हूँ, तो इससे स्वाद आपका अच्छा होगा। तो अगर आपके चीनी के चाशनी तैयार करने समय अगर आपके पानी गंदा हो या चीनी डालने के बाद बहुत समय होता है हल्का हल्का काली हो जाती है, तो आप उसमें 1 चम्मच दूध डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है, तो मैं इसमें चाशनी तैयार करती हूँ। तो अभी ये हुआ नहीं है, अच्छे से चीनी गल चुके हैं तो उबाल आ रहे हैं। तो इसको मैं उबाल आने तक पकाते रहूँगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर, यहाँ पर मैंने 1 घी ले लिया है टिश्यू पेपर में और चारों तरफ से लगा दूँगी, इससे क्या होगा चीनी साइड में नहीं उठेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल मेरी मेहनत को कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसी तरह से नए नए वीडियो मैं आपके लिए लेते आऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चाशनी ऑलरेडी कम्प्लीट होने लगा है। तो इस तरह से आप उंगली की सहायता से इस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये थोड़ा चटपटा हो सकता है, हो रहा है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, नॉर्मल सा चाशनी चाहिए। तो यहाँ पे उबाल हो चुका है और ये हमारा चाशनी लगभग तैयार हो चुका है। तो मैं इसमें उंगली से फिर से चेक कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से एक ये हो रहा है, तो मैं इसे उतार लेती हूँ। हमें इतना ही चाहिए, तो इसे हम अच्छे से ये करके रख देते हैं। अब मैं इसको उतार देती हूँ और इसे हमें गरम गरम रखना है, इसलिए हमें इसको ढक के रख दूँगी। कटोरा में डालने के बाद ढक दिया हूँ। यहाँ पे हमारा मावा तैयार हो चुका है, हल्का ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच मैदा ऐड किया है। 3 चम्मच मैदा ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 पिंच यहाँ पर बेकिंग पाउडर ऐड किया है और 1 से 2 चम्मच हमें पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा, बहुत कम ही पानी चाहिए हमें। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच जैसे पानी ऐड किया है।
तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे हमें अच्छे से सानना है ताकि ये एक सॉफ्ट सा लोट तैयार हो जाए। तो इसे मैं इस तरह से आप हल्के हाथों से इसको इस तरह से अच्छे से सान लीजिएगा ताकि मैदा और जो दूध पाउडर का मावा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एक सॉफ्ट सा लोट तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्ट हो चुका है, मैं इसे और थोड़ा इसी तरह मलट लेती हूँ ताकि अच्छे से हो। इतने इतना आपको पकाना पड़ेगा ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो। अगर ये रुद्र होगा तो आपका गुलाब जामुन जो बनाएंगे वो टूट जाएगा, वो फटने लगेंगे। तो जितना हो सके आप इसको अच्छे से सानिएगा, जितना सॉफ्ट होगा उतना ही आपके गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से मैं इसको प्रेशर दे के सान लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ देखिए सॉफ्ट सा हमारा ये तैयार हो चुका है। तो इसे मैं छोटे छोटे लोई तैयार कर लेती हूँ और इस तरह से हाथों से प्रेशर दे के इसे मैं एक लोई बना के दिखा देती हूँ आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने सॉफ्ट हुए बने, कोई भी दरार वगैरह नहीं है इसमें। तो इसी तरह से मैं बाकी के लोई भी निकाल लेती हूँ। तो छोटे छोटे मैंने इसको काट लिया है, आप अपने साइज की जितने साइज की आप बनाना चाहते हो छोटे या बड़े उस साइज से आप निकाल काट लीजिए। इसके बाद मैं इसको हाथों के प्रेशर से इसको गोल गोल इस तरह से बॉल्स बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं गोल गोल गुलाब जामुन तैयार कर लेती हूँ। तो इसी तरह से बाकी के तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी लम्स वगैरह नहीं है, तो बाकी के भी मैं इस तरह से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं, अब हम इसको छानने लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है, तेल हमारा मीडियम फ्लेम पे पकना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए नहीं तो ये आपको कच्चे रह जाएंगे। तो इतना ही फ्लेम पे आपको मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। तो मैं एक एक करके सारे गुलाब जामुन यहाँ पे छान लूँगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि तेल मीडियम फ्लेम पे होने के साथ साथ आप बाकी के सारे गुलाब जामुन एक ही साथ आप छान सको। तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है 2 मिनट। अब मैं हल्के से हल्के हल्के हाथ से इस तरह से पलटूंगी ताकि ये हल्का सा गोल्डन होने के बाद ही हम इसको पलटेंगे। तो ये हल्का सा गोल्डन होने लगे हैं, अब मैं इसको हल्के हाथों से इसको छान लेती हूँ। तो हल्का सा देखिए गुलाब जामुन का कलर लेने लगा है। तो देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं और ये कोई फटे भी नहीं है, इतना सॉफ्ट हुआ है। तो इसे मैं इस तरह से छान लेती हूँ। तो इसके कलर और भी चाहिए हमें, तो गोल्डन होने तक हमें इसको पकाना है। और गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा। यहाँ पे मैंने इस छान लिया है, अब मैं इसको चाशनी में डुबो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे गुलाब जामुन चाशनी में डुबो दिया है और इसको इस तरह से चम्मच की सहायता से, ये अभी ऊपर ऊपर है, जब ये आधे घंटे के बाद ये भीतर तक ये हो जाए। तो हमें इसे आधे घंटे ढक के रख देंगे, 20 से आधे घंटे के लिए आप इसे ढक के छोड़ दें। तो देखिए आधे घंटे के बाद ये देखिए गुलाब जामुन कितने यमी लग रहे हैं, नीचे एकदम बैठ गए हैं। ये हमने बन के तैयार हो चुका है, इसका रस भी मैं ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकल कर देती हूँ और देखने में कितने यमी लग रहे हैं। तो घर पे आप कोई भी पूजा त्यौहार में ये आप बना सकते हो, घर पे तैयार कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देख सकते हैं कितने रस भरे हैं, एकदम दुकान जैसे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।